मुद्दा तो मेरा किसानों का है। जिस तरह से किसान परेशान है, घर में कोई भी किसान अपने सो नहीं पाता, अगर एक दिन हो जाए अगर नहीं गया तो खेत साफ कर देते हैं। इतने इतने बड़े किसान नहीं हैं कि जो बहुत सारी ज़मीन हो, अगर तो ढाई ढाई तीन तीन बीघे के सका बचे हैं, उसमें मचाना बना के जाड़े में, अब इस तरह के ठंड में लोग घर में नहीं रुक पाते, लेकिन वो किसान बेचारे वहाँ पर। किसानों का मेन मुद्दा केवल जानवर रुत है, जानवरों को मैं गौशाला जो बने हैं उनको सुचारू रूप से चालू करा के और उनमें व्यवस्था करा के ये करेंगे। नौजवान जो हमारे मारे घूम रहे हैं, अगर बहन कुंवारी मायावती जी की सरकार बनती है तो हम ये दावा करते हैं कि 100% जो है सरकार उनके बारे में सोचेगी। इस तरह से तो बेरोजगारी क्या लगता है भारतीय लेकर चौथे चरण के नामांकन तो शुरू हो चुके हैं। इसी क्रम में आज हम बात करेंगे उन्नाव जनपद की भी, भगवान नगर विधानसभा, जो भारतीय जनता पार्टी के हृदयनारायण दीक्षित वहां से अपना कमल खिलाया था। इसी क्रम में हमारे साथ में बसपा प्रत्याशी हमसे बातचीत करेंगे। जी विधायक जी, ये बताइए आपने आज नामांकन दर्ज कराया जी, यदि विधायक बनते हैं कौन आपके ऐसे अहम मुद्दे रहेंगे जो आप जनता के बीच में लेके? सबसे अहम मुद्दा तो मेरा किसानों का है। जिस तरह से किसान परेशान है, घर में कोई भी किसान अपने सो नहीं पाता, अगर एक दिन हो जाए अगर नहीं गया तो खेत साफ कर देते हैं। इतने इतने बड़े किसान नहीं हैं कि जो बहुत सारी ज़मीन हो, अगर तो ढाई ढाई तीन तीन बीघे के सका बचे हैं, उसमें मचाना बना के जाड़े में, अब इस तरह के ठंड में लोग घर में नहीं रुक पाते, लेकिन वो किसान बेचारे वहाँ पर पड़े हैं, कई किसान मर भी गए हैं। इसमें सरकार को ध्यान देना चाहिए। अच्छा, भगवान नगर सबसे हार्ड सीट मानी जा रही है उन्नाव जनपद की, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा अध्यक्ष हृदयनारायण दीक्षित वहाँ से विधायक रहे हैं, उनके द्वारा विकास कार्य क्या कराए गए हैं? बस अब कोई जीरो मानो, हम तो मानते जीरो, अगर विधायक जरा से मिले और फिर इतना विधानसभा अध्यक्ष जहाँ का रहा हो उस वहाँ की रोडों की हालत देख लीजिए, न कोई गौशाला सुचारू रूप से चल रहा है जिसकी बात की जाए, तो वहाँ या कुछ नहीं। यहाँ तक कि भगवान नगर का अगर आदमी मिलने गया तो मिलने के लिए ना उसके बाद टाइम नहीं रहे अध्यक्ष जी के पास। मगल यहाँ क्या लगता है इस बार आप जीत जाएंगे वहाँ से विधायक अगर बनते हैं आप, तो युवाओं के लिए और किसानों के लिए क्या अहम मुद्दे रहेंगे और जो उनको विकास आप करेंगे? किसानों का मेन मुद्दा केवल जानवर रुत है, जानवरों को मैं गौशाला जो बने हैं उनको सुचारू रूप से चालू करा के और उनमें व्यवस्था करा के ये करेंगे। नौजवान जो हमारे मारे घूम रहे हैं, अगर बहन कुंवारी मायावती जी की सरकार बनती है तो हम ये दावा करते हैं कि 100% जो है सरकार उनके बारे में सोचेगी। इस तरह से तो बेरोजगारी क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष हृदयनारायण जो वहाँ से रहे, उनके द्वारा विकास कार्य नहीं कराए गए तो आप इन मुद्दों को लेकर खड़े उतर रहे हैं? भाई इसलिए कि मैं विधानसभा अध्यक्ष से बड़ा पावर हम नहीं मानते किसी को होगा जो हमारी विधानसभा को मिला था, लेकिन अगर वो व्यक्ति काम नहीं करा पाया तो दूसरा कौन भी विधायक करा पाएगा? आप इसी से अंदाजा लगा दीजिए, जो भगवंत नगर जहाँ का विधानसभा अध्यक्ष रहा वो काम नहीं करा पाया तो दूसरे विधायकों का हाल क्या रहा होगा? ये सरकार बीजेपी सरकार कैसे काम करती है, बहन कुंवारी मायावती जी की सरकार में आपने देखा होगा, अगर किसी गाँव की सड़क बंद नहीं है तो पैसा वापस गया है, बच के कम नहीं पड़ा।